सो फाइनली जो मोबाइल मिला था ना उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और वैसे तो आपने यानी कि एक वीडियो देख ली होगी मेरे पहले भी, जो वीडियो बनाई थी जो आंगनबाड़ी के अंदर जो मेरी ताई जी काम करते थे कार्यकर्ता के अंदर, जो उनका यानी कि इंट्रोडक्शन करवाई दिया जो विधायक द्वारा, जो यानी कि सीएम अशोक जी गहलोत जी के द्वारा जो मोबाइल मिला था ना वो कुछ इस प्रकार का है। यानी कि जो सैमसंग का मोबाइल मिला हमारे को कोर, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसकी टाइप मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल आपको इस प्रकार से मिलेगी। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये करीब यानी कि जो हमारे को अमेजोन से तो आपको 8,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जो यानी कि ऑफलाइन लोगे ना आप किसी दुकान से तो आपको सिर्फ ये 10,000 रुपए का यानी कि 10,000 रुपए का मोबाइल मिल जाएगा। तो गाइस इसकी यानी कि अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि इसके साथ में हमारे को एक कवर मिलता है, कवर के साथ में एक हेडफोन भी मिलता है, बहुत ही यूजफुल यानी कि हेडफोन एंड कवर रहता है जो यानी कि गिरने से भी यानी कि नहीं टूटेगा। वैसे तो कवर की बात की जाए तो मैं आपको खोल के दिखाई देता हूँ इसे। ये कवर ही बहुत ही अच्छा है जो करीब करीब 250-300 रुपीज के अंदर हमारे को ऑफलाइन के अंदर दुकान पे मिलता है और बहुत ही यानी कि अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब रहता है हमारा मोबाइल, तो मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग करेंगे तो हमारे को इसके साथ में एक ग्लास भी मिलेगा, ये देख सकते हो जो यानी कि ग्लास यानी कि हम इस पे लगा सकते हैं। आपको पता है हम जाते हैं कहीं भी मोबाइल लेने तो ग्लास लगा के भी देते हैं और हमारे को इसके साथ में भी ग्लास मिला है एक। और बाद के अंदर जो मोबाइल है, मोबाइल तो हमारे कुछ इस प्रकार से कुछ डिटेल है, पेपर है जो हम नहीं पढ़ने, या फिर आप पढ़ते हो तो पढ़ लेना, वैसे मैं तो नहीं पढ़ता। और कुछ मोबाइल है जो हमारा इस प्रकार से देख सकते हो गाइस, जो ब्लैक कलर के अंदर हमारे को मिलता है। इसके कलर भी 3 प्रकार के हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड कलर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे मोबाइल है जो इस प्रकार से है, ब्लैक कलर का, बहुत ही क्वालिटी भी अच्छी है। और यहाँ पे फाइबर का लग रहा है मुझे, फाइबर ग्लास है पीछे, ग्लास है। और इसे ओपन करेंगे तो ये देख सकते हो हमने पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी, क्योंकि जब हमारे को ये मिला था ना तब वहां पे बताया था कि इसको खोल के देख लो आपका मोबाइल सेफ है या फिर नहीं है। गाइस यार हमने यानी कि वहीं पे खोल के देख लिया था मोबाइल अच्छा है या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे को पीछे एक कैमरा मिल जाता है जो करीब करीब 5 MP फोन्ट का मिल जाता है, जो यानी कि कार्यकर्ता रहते हैं उनके लिए फोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और बाद के अंदर हमारे को एक सैमसंग का चार्जर मिलता है जो 18 वोल्टेज का चार्जर मिल जाता है इसके साथ में। और टाइप सी केबल है, टाइप सी जो नॉर्मल हमारी टाइप सी केबल है जो हमारी यानी यूजफुल रहती है ना, टाइप सी केबल वैसी नहीं है, लेकिन हमारे जो यानी कि डेली मोबाइल के अंदर यानी कि जो घर के अंदर मोबाइल यूज होता है ना उसकी तरह हमारे को यहाँ पे केबल मिल जाती है। तो चार्जर भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, मोबाइल भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, अब इसको यानी कि ओपन करने के बाद में मैं बता देता हूँ कि ये ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार का हमारे को मिलेगा जो मोबाइल है वो इस प्रकार का मिलता है। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट तो नहीं मिलता है, इसका फेस लॉक ही मिलता है हमारे को डायरेक्टली, यानी कि फिंगरप्रिंट तो हमारे को कैसे मिलेगा। इसकी रैम रोम की बात की जाए तो इसकी यानी कि 2 GB और 32 GB स्टोरेज मिलता है हमारे को इसके अंदर। और इसे हम स्वाइप करके इसे अनलॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसको मैं एक बार बताऊँ ना तो इसकी सेटिंग्स में जाके अबाउट मोबाइल में जाऊँगा ना, ये गया, यहाँ पे इसके मॉडल नंबर नहीं बता सकता मैं, यहाँ पे ब्लर कर दिया है मैंने यहाँ पे ब्लर। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हो ग्लेशरी A03 कोर का मोबाइल रहता है मॉडल नंबर, और कुछ इस प्रकार से मिल जाता है बहुत ही अच्छा है। और इसकी बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे 5000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाती है, जो बहुत ही यूजफुल मोबाइल है, बहुत ही अच्छा है। और एंड्रॉइड के अंदर हमारे को स्मार्टफोन मिला है और वैसे तो अच्छा ही है गाइज। तो फाइनली गाइज इसके अंदर जो एप्लीकेशन मिलती है वो मैं बता देता हूँ कि कौन सी है। यहाँ पे देख सकते हो जो पोषण ट्रैकर आपको एप्लीकेशन मिलेगी ना वो यहाँ पे मिल जाती है। देखो यहाँ पे इसे ओपन करते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी सिम कार्ड नहीं डाला है तो ये पता नहीं ओपन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे को यानी कि अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद में इसे यानी कि लॉगिन हो जाता है। बाद के अंदर ये पोषण ट्रैकर ओपन होके ही इसके देश यानी कि देश की रोशनी यहाँ पे आपको बढ़ जाती है, और कोई भी सूचना रहती है ना इसके अंदर आपको मिल जाती है डायरेक्टली। कोई भी मीटअप नहीं रखना पड़ता है, कोई भी कार्यकर्ता रहेगा ना उसको पहले क्या होता था कि आंगनबाड़ी के अंदर जाके मीटअप करना पड़ता था, कुछ मीटिंगें होती थी, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्टली पोषण ट्रैकर से क्या हो सकता है, मीटअप कर सकते हैं। जो भी यानी कि सर वगैरह मैडम रहेगी ना वो इससे ही आपको मीटअप करके सारा कुछ समझा देंगे और बता देंगे कि इससे क्या होगा। गाइस यार इसके कैमरे की बात की जाए तो मैं कैमरा बताऊँ ना आपको, बहुत ही इसका यानी कि अच्छा कैमरा मिल जाता है हमारे को। देखो गाइस कैमरा भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है और मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। पीछे का यानी कि कैमरा करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, यहाँ पे देख सकते हो गाइज इसका कुछ इस प्रकार से कैमरा मिलता है। एक बार फोटो क्लिक करके भी मैं आपको इसकी फोटो है ना जो डायरेक्टली मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा इसके अंदर। और गाइज यार वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता देना, और ये मोबाइल कैसे लगता है वो भी कमेंट करके बता देना, आपको मिला या नहीं मिला वो भी बता देना। गाइज यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको यानी कि यूट्यूब से ऐसे ही रिलेटेड व्लॉग मिलते रहेंगे।